बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज की। और पहला स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हम देख रहे हैं सर, काफी सारे बैंक्स फंड रेज कर रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। अभी पीएनबी ने किया था, उसके बाद इंडियन बैंक की तरफ से भी हमें देखा गया, और आज बैंक ऑफ महाराष्ट्र की भी तरफ से न्यूज आ रही है क्यूआईपी के जरिए ये लगभग 3500 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं। सर, कैसा व्यू बन रहा है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर? देखिए बिल्कुल, अगर आप बैंक्स को देखेंगे तो सबसे बड़ी फाइट जो आई है बैंक्स के सामने, हम सबको पता है, वो डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर के आई है। तो आप बैंक्स डिफरेंट रूप से कैपिटल रेज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप स्टॉक को भी देखेंगे तो 58 से 62 इस जोन में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे ही 62 के ऊपर निकले, 62 और 63 का भाव आप पकड़ ले, 63 के ऊपर सस्टेन करे तो बाय करे, अभी थोड़ा सा अवॉइड करे। इस कंडीशन में अगर 63 के ऊपर निकल करके जाता है तो आपको करीब 11-12% का अपसाइड ऊपर 70 रुपए के लेवल के लिए मिल जाएगा। थोड़ा रिस्की ट्रेडर है तो आप स्टॉप लॉस एक लगाएं करीब 58 रुपए के आसपास और इसको तब आप एंटर करें। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि जब अगर आप हैं तो 58 रुपए स्टॉप लॉस लगाए, अगर नई पोजिशन लेना चाहते हैं तो पहले 63 के ऊपर निकलने दें, इसके बाद ही आप इसमें पोजिशन बनाए।